है कि रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में जमीन के विवाद में 6 लोगों के हत्याकांड को 8 दिन बीत जाने के बाद आज भी गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के अधिकतर लोग पुलिस के डर की वजह से गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं। अब मृतक प्रेम यादव के घर सपा नेताओं का जमावड़ा लग गया है, जो सरकार से बिना भेदभाव के निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बता दें कि कई सपा नेता प्रेमचंद यादव के परिजनों से मिलने जा रहे थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने बैरिया चौराहे पर रोका। ये पहले पैमाइश हुई थी यहाँ के ग्राम समाज के नंबरों पर कब्जे की। 3 घर कब्जे में पाए गए थे, जो ग्राम समाज का खलियान और बंजर पे बने हुए। तहसीलदार के यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ, परसों सुनवाई थी। तहसीलदार ने इन लोगों को आज का टाइम दिया था कि मौके पर हम दोबारा पैमाइश करा देंगे। अगर ये कब्जा ग्राम समाज पाया जाएगा तो हटाया जाएगा नियमानुसार, नहीं पाया जाएगा तो कोई बात नहीं। उनकी जमीन तो नापी हो चुकी थी, उसमें क्या पहले नापी हो चुकी थी, लेकिन अब तहसीलदार अपने सामने करा। उसमें क्या मिला था? उसमें मिला था ग्राम समाज में, तभी वो मुकदमा दर्ज हुआ। आज क्या होगा सर? आज आदेश होगा, आज चेक होगा, यदि वो पैमाइश सही है तो आदेश होगा। किसके घर की नापी हो रही है? किसी के घर की पर्टिकुलर, जो भी ग्राम समाज के नंबर है उनके नाम। देवरिया नरसंहार कांड के बाद अब आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो मृतक प्रेमचंद यादव हैं उनके घर पे अब जनसैलाब उमड़ चुका है। मैं आपसे दिखाना चाहूंगा कि जनसैलाब देखिए किस तरह से खेतों में उमड़ा है। युवा यहां पर आए हैं और युवाओं का साफ तौर से कहना है कि मुझे न्याय दिया जाए, और लगातार ये न्याय की मांग कर रहे हैं, जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की स्थिति जो है बिगड़ते नजर आ रही है। यहाँ हाथापाई की भी नौबत आ चुकी है।